नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मकर संक्रांति के मौके पर हम आपको जो हमारे गांव में बनता है तो वही मैं आज को आपको बताऊंगी बनाकर। देखिए मैं किस तरह से चूड़ा को फ्राई करूंगी। ये हमारा प्याज है, ये हमारी धनिया लहसुन की पत्ती है, ये हमारा मिर्चा है, और ये हम मटर का छिलका है। ये मटर है, हम मटर का छिलका निकाल चुके हैं पहले से ही, इसको धुल के साफ कर चुके थे। ये हमारा मार्केट का चूड़ा है, ये धान का है, मार्केट में बिकता है, घर पर भी रहता है, तो ये मार्केट का चूड़ा है। हम इसको पहले से ही धुल चुके हैं, पानी में दो पानी से धुल कर इसको साफ कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए, ये हमारा कढ़ाई है, ये सरसों का तेल है। देखिए इस तरह से मैं तेल डालूंगी, इतना तेल डाल लिए हम अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा से हम फ्राई करेंगे। ये हम जीरा डाल दिए, और इसी में हम प्याज को डालेंगे। ये हमारा प्याज है, जीरा प्याज और धनिया का पत्ता भी नहीं डालेंगे, ये मिर्चा है। देखिए इस तरह से हम इसमें डाल दिए हैं सब चीज। अभी तो सब नहीं डाले हैं, सिर्फ वो डाले हैं, जीरा डाले हैं, प्याज डाले हैं और मिर्चा डाले हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे, इस तरह से इसे फ्राई करते रहेंगे। करते रहेंगे। तो देखिए हमारा चूल्हा है, हम आपको चूल्हे पर ही वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारी जो प्याज थी कढ़ाई में, देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा लाल हुआ है इस तरह से। तो हमारा मटर जो था वो थोड़ा कड़ा है, इसको हम पहले डाल देंगे इस तरह से। मटर को हम डाल के इस तरह से चलाते रहेंगे, तो हमारा मटर अच्छी तरह से पक जाएगा। जब पक जाएगा हमारा मटर, हम इसको इसमें चूड़ा डालेंगे और इसका सामान डालेंगे। तो इस तरह से हम मटर को पकाते हैं पहले शुरू शुरू। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ये मटर है, और इस तरह से हम इसको पका रहे थे। तो देखिए हमारी मटर पक गई है अच्छी तरह से। तो इसमें हम, ये हमारा खटाई का मसाला है, देखिए ये हमारा खटाई का मसाला है ये। तो इसको हम इसमें डाल रहे हैं, हमारा खटाई का मसाला है, और इसको हम इस तरह से डाल देते हैं। और ये धनिया का पत्ती, और ये भी है, इसको भी हम डाल दिए इसमें। और इसमें हम नमक डालेंगे अपने आवश्यकता अनुसार, नमक भी डाल दिए। और इसको हम चलाते रहेंगे। हम तो स्वाद के लिए खटाई का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जिसके पास खटाई का मसाला ना हो तो आप इसमें पैकेट का भी मसाला डाल सकते हैं, कोई भी मसाला डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पैकेट का मसाला डाल कर बना रहे हैं तो आप भी पैकेट का मसाला डाल कर बनाएं। तो इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे कि अच्छी तरह से हमारा पक जाए। इस तरह से देखिए तो हमारा चूल्हा बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे और हमारा मसाला भी पक जाएगा और मटर भी हो जाएगी अच्छी तरह से, और हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। देखिए इस तरह से हम, तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हम मटर को चूड़ा को ढक लिए थे। अब इसको हम इस तरह से खोल लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है सामान, इसमें हम चूड़ा भी डालेंगे इस तरह से।
पूजा पे डाल देती हूँ। इस तरह से डाल दिए पूरा, और ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे पूरे को, तो क्या रहेगा कि खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से चूरे को चलाते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं चूरा फ्राई, लेकिन गांव के लोग बोलते हैं चूरा मटर। देखिए इस तरह से हम इसका फ्राई किए चूरे का। अब इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे इस तरह से, ये खूब अच्छी तरह से मसाला इस पर हर जगह मिल जाए। कहीं कहीं देखिए सफ़ेद है, कहीं कहीं नहीं मिला हुआ है। तो इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। जो थोड़ा सा चूरा हमारा बचा था उसमें भी हम डाल दिए। देखिए इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे चूरे को। इसका हमको नमक थोड़ा ही डाले थे, तो आप भी नमक चीख कर इसमें डाल सकती हैं कम बेसी। इस तरह से हम चूरे को चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा तैयार हो गया है, अब हम सबको देने जा रहे हैं। ये हमारा चूरा है, इस तरह से बन गया। देखिए इस तरह से बन गया हमारा चूरा। तो फ्रेंड देखिए हमारा चूरा बन के तैयार हो गया है, अब हम सबको देने जा रहे हैं। तो हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।